नमस्कार, स्वागत है आपका वीएमआर भारत टीवी में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्त द्वारा दिया गया चंदा जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खाते में अब तक करीब 40 करोड़ से अधिक की धनराशि हुई जमा। विदेशी मुद्रा को जमा करने की अनुमति मिलते ही अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में खोला जाएगा नया खाता। कब्रिस्तान के रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता बंद कर भूमि माफियों ने किया अतिक्रमण। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताया विरोध। उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर अवैध अतिक्रमण हटाने की रखी मांग। सरकार की लापरवाही आई सामने। ड्यूटी करते एक पुलिसकर्मी पर थाने की जर्जर बिल्डिंग से छत से गिरा प्लास्टर व पत्थर। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के सुनील थाना इलाके के उनेल गांव के निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज होने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भील समाज ने झालावाड़ मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वह हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस घटना के 2 महीने बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ऐसे में भील समाज के लोगों ने हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लड़के को पूरी दिनेश डाकर ढाबला खींच वाला बुला के ले गया और उसके बाद में 6 बजे तक उसके मारा। 8:30 बजे दिनेश डाकर ने उसको घर पे खाना खिलाया। घर पर खाना खिलाने के बाद उसने क्या किया उसके साथ ये मालूम नहीं, लेकिन 10:30 बजे बाद मेरे पास फोन आता है। 2 आदमी आते हैं, उन्होंने कहा कि आपका लड़का रोड पर पड़ा हुआ है। मेरे साथी और उसके दोस्त उसको वहाँ लेके गए। वहाँ जा करके एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी। घटना पे जाके देखा तो उससे बोलचाल थी, उसने बोलाने की कोशिश की। स्थानीय कस्बे का शाह केराजी नरसिंह जी बालोधान के विकास और सौंदर्यकरण का बीड़ा उठाकर भामाशाह परिवार के सहयोग से मंगलवार को सरपंच सोहन लाल गर के हाथों पौधारोपण कर शुभारंभ किया गया। ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल परमार ने बताया कि यह बालोधान कभी हरा भरा था, लेकिन स्थानीय पानी लवण युक्त होने से उजड़ गया। सरपंच सोहन लाल गर की प्रेरणा से केराजी नरसिंह जी परिवार के जयंती लाल जैन द्वारा इसको विकसित करने को लेकर पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल परमार, उप सरपंच जालमा सिंह, वार्ड पंच भवाना राम मेघवाल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। हिंडौन सदर थाना क्षेत्र में विगत दिनों कवरेज के दौरान टीवी रिपोर्टर पर हुए हमले के मामले में उपखंड में घटना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 17 सितंबर की रात को टीवी रिपोर्टर शुभम तिवारी व कैमरा पर्सन कर शराब माफियों व अवैध मीट दुकान द्वारा हमला किया गया, जिसमें विरोध में लगातार पत्रकार संघ एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन देकर पत्रकार पर हुए हमले एवं पत्रकार पर मारपीट और रुपए लूटने का झूठा मुकदमा दर्ज होने का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भी हिंदुवादी संगठन पदाधिकारी डैम रोड पर एकत्रित होकर डीएसपी एवं एसडीओ को ज्ञापन देकर मामले की कार्रवाई सदर थाना हटाकर निष्पक्ष रूप से डीएसपी से करवाने की मांग की गई है। इंडिया के पत्रकार शुभम तिवारी पे 3 दिन पूर्व घटनाकारी तो हुई थी शराब के ठेके पर, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। जो मीट की जो वो चल रही है सर, वो होटल मीट की वो जो अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, अगर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं तो उनको बंद किया जाएगा। शराब पिलाते हैं बैठा करके शराब, वो निश्चित रूप से गलत है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर टोडा भीम से, जहां नाहर खोहर रोड पर बनाए गए शौचालयों का हाल बेहाल हो गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। वहीं शौचालयों के चारों तरफ इस गंदगी का बसेरा बन गया है, जिसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाखों रुपए की लागत से शौचालय बनाए गए थे, परंतु नगर पालिका के अधिकारी वर्ग कर्मचारियों की आंखें बंद करके बैठे हैं। साथ ही सबसे बड़े अधिकारी ये हाल देख कर निकल जाते हैं, परंतु कोई भी ध्यान नहीं देता और टोडा भीम प्रशासन तो बस ऑफिस में टाइम पास कर रहा है। बासगो कस्बे में शहीद अशोक वर्मा के स्मारक पर सीआरपीएफ बटालियन दूत कार्यबल के द्वारा प्रवीण कुमार सिंह कमांडेड
83 बटालियन दूत कार्यबल रामगढ़ रोड लालवास जयपुर के नेतृत्व में बटालियन दूत कार्यबल गोद ग्राम महिला हाला तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान में दिनांक 22 सितंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सांप्रदायिक सद्भावना हरा भरा वातावरण एवं संरक्षण पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड-19 के निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक दूरी तथा सैनिटाइजर का उपयोग करके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माहिलाहला में बच्चों ने चित्रकला की प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए उन्हें उपहार भी भेंट किया गया। इसी के साथ बास्को कस्बे में शहीद अशोक स्मारक पर शहीद अशोक वर्मा का बटालियन दूत कार्यबल के द्वारा शहीद अशोक वर्मा का माला पहनाकर सलामी देते हुए जय हिंद जय भारत के नारे लगाए गए। इसी के साथ बास्को कस्बे के समाज सेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा आए हुए कमांडेंट समस्त टीम का धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत दिनांक 1 से 30 सितंबर 2020 तक चलाए जा रहे पोषण महाउत्सव के दौरान परियोजना की समस्त आंगनवाड़ियों में रेसिपी प्रदर्शन की गतिविधियां की गई। आंगनवाड़ी सेंटर ओबरा कला के राजीव गांधी केंद्र में कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती महिला बाल विकास अधिकारी पुष्पा दशोरा के द्वारा की गई। अतिथियों ने कार्यक्रम संचालक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आईपी ग्लोबल के ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी भंवर सिंह सिसोदिया द्वारा मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थित लोगों का अभिनंदन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं द्वारा पौष्टिक व्यंजन तैयार कर इन व्यंजनों का डेमोस्ट्रेशन आंगनवाड़ी सेंटर पर किया गया तथा साथ ही इन महिलाओं के साथ इससे बनने की विधि को साझा किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता पालीवाल, गायत्री पालीवाल, शांता मेघवाल और आशा पुष्पा मेघवाल ने उपलब्ध चीजों से बनाए जाने वाले पौष्टिक व्यंजनों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संचालन आईपीएल ग्लोबल द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य पोस्ट कार्यक्रम के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य पोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए चलचित्र को भी दर्शाया गया। राज्य स्तर पर माननीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री द्वारा चलाए गए जिम्मेदारी अभियान की जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ने देश को सभी के सामने रखा, साथ ही विकास के लिए खास करके एक पिता को अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की। झालावाड़ कालीसिंह थर्मल पावर प्लांट के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 8 दिन से चल रहे इंटक यूनियन कर्मचारियों का प्रदर्शन सुदबुद या करकर समाप्त कर दिया गया और अगले आदेश के बाद ही अगली रणनीति तय होगी। आपको बता दें, अधिकारियों व कर्मचारियों के हर महीने होने वाले वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने और चिकित्सा व पुलिस विभाग की तरह आवश्यक सेवा से मानते हुए पूरा वेतन देने की मांग को लेकर थर्मल प्लांट गेट पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन पिछले 8 दिन से किया जा रहा था। इंटक यूनियन के अध्यक्ष भजन लाल ने बताया कि 15 तारीख से चल रहे प्रदर्शन को आज सुदबुद यज्ञ कर समाप्त कर दिया गया है। ये किस संदर्भ में कर रहे हो? ये केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण हमें एक कदम उठाना पड़ा, वरना पहले सही चल रहा था। पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को एमरजेंसी ड्यूटी में मानते हुए उनका वेतन नहीं काटा जा रहा, जबकि बिजली कर्मचारियों को भी स्टेट गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए कोविड-19 के अंतर्गत 50 लाख का इंश्योरेंस किया था, उसमें हमें आपातकालीन में माना गया था, परंतु अब उस आपातकालीन स्थिति से हटा दिया गया है। और हमारी उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा क्षेत्र की नवसर्जित ग्राम पंचायत जगनेर तुरकान के सरपंच पद की सीट के लिए उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। मनोहार ग्राम पंचायत जगनेर तुरकान में कुल 2400 मतदाता मतदान करेंगे। नवसर्जित ग्राम पंचायत में एएसटी सीट सामान्य होने पुरुष व महिला उम्मीदवार दोनों ही उतरे हैं। मैदान में मतदाताओं की घर घर जाकर सरपंच पद प्रत्याशी हाथ जोड़कर मनोहार कर रहे हैं। वहीं मतदाता सुबह से शाम तक चाय की थड़ियों पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर यही है कि शिक्षा थोड़ा सा अल्पसंख्यक ग्रामीण क्षेत्र है ये, तो इसमें शिक्षा के हिसाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मतलब अच्छा कार्य करें, विकास का कार्य करें, जिससे कि जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले हैं सब। रायगढ़ चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी NHM के कर्मचारी अधिकारी हुए लामबंद, अपनी मांगों को लेकर हो रहे हैं
वहीं सामूहिक इस्तीफा सौंपकर खुली चेतावनी भी दे रहे हैं। एनएचएम के कर्मचारियों का कहना है कि वह भी एक अधिकारी कर्मचारी की तरह पूरी काम कर रहे हैं। ऐसे में नियमितीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्मचारियों द्वारा मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। संविदा में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस COVID-19 महामारी के समय हम अपना भरपूर काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे, हम पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन शासन को हमारी चिंता होनी चाहिए लेकिन नहीं है। डॉक्टर एवं नियमितीकरण कर्मचारी को अगर कुछ हो जाता है तो उनके लिए बीमा जैसे प्रावधान है तथा अनुकंपा से जैसे भी प्रावधान है, परंतु हम संविदा कर्मचारी एनएचएम के कर्मचारी अगर हम मर भी जाएं कोरोना वायरस के संक्रमण से तो हमारे घर वालों को डेड बॉडी तक नसीब नहीं होगी। ऐसे में ये हड़ताल बिल्कुल सही है। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल लगातार किए जा रही है। ऐसे में कलेक्टर ने कल नोटिस जारी कर काम पे लौटने के लिए कहा नहीं, लेकिन 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। यही कारण है कि सभी कर्मचारियों पर आक्रोश फूट पड़ा है और सभी ने सामूहिक इस्तीफा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है और शांतिपूर्वक अपनी मांग को पूरा करने के लिए निवेदन भी किया। सभी संविदा कर्मचारियों को 2 महीने के अंदर नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं गया। ऐसे में हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती हम हड़ताल करेंगे और खत्म नहीं करेंगे। इसे कर्मचारियों का साफ ये कहना है कि वे अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। जो है जिले स्तर में समस्त एनएचएम संविदा कर्मचारी मतलब इस्तीफा दे दिए हैं। हम लोग यह इस्तीफा सरकार के जो अभी बर्खास्ती हो रही है, हम लोग का आंदोलन 19 तारीख से कार्यरत है। यह आंदोलन जो है पुराने मतलब अभी के वर्तमान जो सरकार है उसके चुनावी घोषणा पत्र में यह उल्लेखित किया गया था कि मेरा सरकार बनते ही 10 दिवस के अंदर मैं जो है समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करूंगा, लेकिन अभी तक जो है सरकार के द्वारा ना कोई इस विषय में चर्चा किया गया है ना भी कोई इस विषय में पहल की गई है। कोरोना का संक्रमण है, इसमें ऐसा आप लोगों को उचित लगता है इस प्रकार सामूहिक इस्तीफा देना? आप लोगों के ऊपर सारी जवाबदारी है। नहीं मैडम, कोरोना का जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 320 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 4 दिनों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरा होने पर CHMO को सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के CHMO ने उन्हें काम से लौटने के निर्देश दिए और काम नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अब आंदोलन कर्मियों का कहना है कि अब सरकार द्वारा बनाए गए गोठानों में जाकर सभी गोबर उठाकर सरकार को बेचने और राशि को राज्य शासन के राहत कोष में जमा करेंगे, जिससे सरकार के फंड में पैसा जमा हो सके। आज हमारे हड़ताल का 4th दिन था। हम लोगों ने लगातार अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हमारे प्रांताध्यक्ष हैं और हमारे पदाधिकारियों को बर्खास्तगी कर दी गई और विभिन्न जिलों में हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए जहां पर हमसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए वहां पर हमको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और बर्खास्तगी की नोटिस दी जा रही है। इससे हम कोरोना योद्धा बहुत आहत हुए और हम सब लोगों ने अपना आज त्याग पत्र सामूहिक रूप से हमने CMHO सर को सौंप दिया है। शिवरी नारायण के केरा रोड में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से मालवाहक गाड़ी ने टक्कर मार दी। मालवाहक गाड़ी की रफ्तार तेज थी जिसकी वजह से गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। घायल ड्राइवर का नाम मदनलाल कुमकार है और जो कमरीद गांव का रहने वाला है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। केबिन में फंसे मालवाहक गाड़ी के ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर से काटकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अंबिकापुर में आवारा पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों पर अब हो रही है FIR दर्ज। नगर निगम प्रशासन ने आवारा पशुओं को छोड़ देने वाले पशु मालिकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर अपने पशुओं को आवारा छोड़ देने पर FIR दर्ज की। पूर्व में रेखा छेका के अंतर्गत सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं को निगम के द्वारा पकड़कर गोठानों में रखा गया था, जहां पशु मालिकों को अर्थदंड देने के बाद उनको उनके पशु वापस कर दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी लोग ही मान रहे और अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिसे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए अंबिकापुर आयुक्त हरीश मंडावी ने 2 लोगों पर FIR दर्ज कराई और यह चेतावनी दी कि आगे आने वाली समस्या में यदि लोग अपने पशुओं को इसी तरह आवारा छोड़ देंगे तो पशु मालिकों के पर FIR दर्ज होने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रोका छोकी अभियान के तहत हमने जितने भी नगर निगम एरिया में रिंग रोड में या फिर अन्य जो रोड हैं
वहाँ पर जो आवारा पशु और मवेशी जो बैठे रहते थे, उसके अलावा जो पशु मालिक के जो और पशु जो बैठे रहते थे उनको पकड़ पकड़ के हम लोगों ने अपने गोठान में शिफ्ट कराया था। और उस समय हमें संकल्प पत्र भी लिया था जो पशु मालिक हैं उनके द्वारा कि भाई आप दोबारा इनको आप नहीं छोड़ेंगे, और यदि छोड़ते हैं तो उसमें अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसे करके हमने उसमें संकल्प पत्र भरवाया हुआ था और समझाइश भी दिया हुआ था। बारंबार ये करने के बाद भी उनके द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो हमने मुख्यतः दो तीन जहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या थी उस पर हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने कल आपराधिक प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराया है। और यह एक संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भाई शहर में इस प्रकार से यदि पशु मालिक जो अपने पशुओं, राजनांदगांव शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन बाग अटल आवास में परवेज कुरेशी की धारदार हथियार से प्राण घातक हमला कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी, जिस पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूछताछ में आरोपी सलमान ने बताया कि आरोपी के चाचा शेख सलीम को ईद के समय से परवेज कुरेशी और राजा श्रीवास के द्वारा मारपीट और गाली गलौज किया गया था, जिसके कारण सलीम द्वारा रेकी कर बाकी आरोपियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हमले में प्रार्थी राजा श्रीवास अपने घर में घुसकर जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद आरोपियों द्वारा प्रार्थी की कार को तोड़फोड़ की गई। आरोपियों की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसीपी डी शवर ने किया। कंचन बाग में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हमने अभी सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुल प्रकरण में 6 आरोपी हैं और अभी और विवेचना की जा रही है। हत्या का प्राथमिक कारण क्या है और किस चीज़ से हत्या की गई थी? आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद था और इससे पहले भी एक दो बार विवाद हो चुका था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर एल गोदारा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शहीद भवानी सिंह चौहान रा उमावी भैरू सागर के संस्था प्रधान डॉक्टर बंसीलाल जाकर व उनकी संपूर्ण टीम की शिक्षा के संदर्भ में दूरगामी सोच और शैक्षिक परिदृश्य व सकारात्मक चिंतन को देखते हुए एक उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमारा विश्वविद्यालय विकसित करने का प्रयास जारी है, जहां पर प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कौशल उत्तीर्ण भविष्य की रोजगार परक शिक्षा वर्तमान तनाव भरी जिंदगी में काउंसलिंग इत्यादि के मध्य से इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह सेंटर बहु उपयोगी संस्था बनकर भविष्य में उभरेगा। कुलपति जी ने बताया कि प्रत्येक युवा को बहुआयामी कौशल का विकास तथा उनके भविष्य को संवारने के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सेवाएं इस केंद्र पर ली जा सकती है। प्रधानाचार्य डॉ बी एल जाखड़ को उन्होंने निर्देश दिए कि वह एक दूरगामी प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पदार्पण के समानतर जीवन में विभिन्न कौशलों की प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। वाणी पहुंचेगी डिजिटल धानी 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 घर घर पहुंचने का द्वार तो आ गया, लेकिन अब घर के धानियों में इस तरह का वो एक जुनून के जीजीविसा के साथ जिनको जीने की पढ़ने की ललक है, उन बच्चों तक हम शिक्षा पहुंचे। और डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट इसी पर बेस है कि जिसको शिक्षा नहीं मिली उसको और अच्छे ड्रीम्स में वो बाहर है, जैसे और प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए वो तैयारी करे, मैनेजमेंट में आए और बहुत। जिले के यूटीबी चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल स्थायीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल डॉक्टर वीरेंद्र रावत, डॉक्टर धर्मेश, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर गिरीश बाबू और डॉक्टर प्रवीण आदि ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर प्रदेश के सभी यूटीबी पर कार्यरत चिकित्सकों को स्थायी करने की मांग की। चिकित्सकों ने बताया कि पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसी महामारी में अपनी सेवा दे रहे हैं और पूर्व में परीक्षा भी चुके हैं, लेकिन उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में ड्यूटी के दौरान आगामी चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी के लिए समय निकालना कठिन है तथा जन स्वास्थ्य के हित के लिए चिकित्सा विभाग में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें स्थायी किया जाए। इन चिकित्सकों ने बताया कि जिस प्रकार स्वाइन फ्लू के समान कार्य अनुभव के आधार पर स्थायी भर्ती की गई थी, उसी प्रकार यूटीबी चिकित्सकों की भी स्थायी भर्ती की जाए।
महुआ जिले में भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ग्राम सचिवों की मीटिंग कर ग्राम पंचायतों से आने वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कई सचिवों को फटकार भी लगाई और काम से लापरवाही ना बरतने की हिदायत भी दी। आपको बता दें कोविड 19 के चलते आई विकास कार्यों में कमी और जनता से लगातार शिकायत मिलने के कारण चरखारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ग्राम सचिवों की मीटिंग ली और प्रधानमंत्री आवास में धांधली सहित पेयजल सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि मुझे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत मिली तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। आज की मीटिंग हमारे ग्राम सचिवों और प्रधान भाइयों के साथ में थी, जिसमें हमारे ब्लॉक के बीडीओ, ब्लॉक के प्रमुख जी और वर्तमान में हमारे महोबा नगर के बड़े भाई सौरभ तिवारी जी। उद्देश्य हमारा ये था कि इस महामारी कोविड-19 के दौरान हम लोग जो है प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच पा रहे थे और कई गांवों से जो है शिकायतें आ रही थी, अन्ना पशु की शिकायत आ रही थी, कहीं पे हैंडपम्प की शिकायत थी, कहीं पे लाइट ख़राब होने की, कहीं पे आवासों में सही से सत्यापन ना होने का शिकायत था, स्वच्छता से संबंधित शिकायत थी, तो उसको लेकर एक मीटिंग की गई थी, जिससे कि ग्राम में स्तर पर जो है हम लोग उचित व्यवस्थाएँ कर सकें और जो परेशानियाँ हैं उनका समाधान कर सके। डीडवाना में क्वब संपत्ति कब्रिस्तान की जमीन पर भूमा माफियों द्वारा अतिक्रमण करने और कब्रिस्तान के रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता बंद करने का मामला सामने आया। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञापन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि डीडवाना के खसरा नंबर 796 पर देश वाली और कायम खानी कब्रिस्तान दर्ज है। इस कब्रिस्तान को लेकर राजस्थान वफ़ अधिकरण द्वारा 5 साल पूर्व कब्रिस्तान के पक्ष में डिग्री भी पारित हो चुकी है। इसके बावजूद कब्रिस्तान की जमीन पर भूमा माफियों की गिद्द नजरें टिकी हुई है। गदिरों की भूमि माफिया एक फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से इस कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और कब्रिस्तान के मुख्य द्वार के सामने पत्थर डालकर रास्ता भी बंद कर चुके हैं। इस मामले में नगर पालिका द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि मामले में पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चेतावनी भी दी, अगर अतिक्रमण नहीं रोका गया तो समाज के लोग आंदोलन करने और न्यायालय की शरण लेने पर मजबूर हो जाएंगे। मांग ये की गई है कि यहाँ पे गौरव पद के 9 शहीदान दरगाह के सामने कायम खानियों कब्रिस्तान के पास जो खाली जमीन पड़ी है वो कब्रिस्तानों की वब की संपत्ति है, उस पे भूमाफियाओं ने लाठी के दम पर जबरदस्ती से कब्जा करना चाहते हैं। हमने 17/9/2020 को कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने यहाँ पे आदेश भी कर दिया, एसडीएम साहब ईओ साहब को मेल भी किया, लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इधर आते हैं तो बोला ईओ साहब के पास जाओ, ईओ साहब बोले तहसीलदार जी के पास जाओ, तहसीलदार जी कहते हैं हमारी ज़मीन नहीं है, ईओ साहब कहते हैं हमारी ज़मीन नहीं है। तो हम आज पूरा डीडवाना का मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर एसडीएम साहब भी नहीं सुनाई करेंगे। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्तों द्वारा भी चंदा देने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा FCRA के तहत अनुमति न मिलने के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंदों को जमा व खर्च नहीं कर सकता है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग देने की प्रक्रिया तेज कर दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खाते में अब तक करीब 40 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है। वहीं अब मंदिर निर्माण के में सहयोग के लिए विदेशों ने भी रहने वाले राम भक्त दान देने के इच्छुक है। इसी के तहत आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम अमेरिका से $1,500 का चेक ट्रस्ट के अयोध्या कार्यालय पहुंचा है, जिसे ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित रख दिया गया है। ट्रस्ट के लोगों की माने तो यह धनराशि अभी किसी भी बैंक में जमा नहीं कराई जाएगी। जल्द ही गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा को जमा कराने की अनुमति मिलते ही अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में नया खाता खोला जाएगा, जिसके बाद विदेशों से मिलने वाली धनराशि को इस खाते में जमा होने की प्रक्रिया की जाएगी। विदेशों से दान आना है, लेकिन हमारा अभी NRI का अकाउंट नहीं खुला है, वो
पंजाब नेशनल बैंक में खुलने वाला है। जैसे ही हमको भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, हम अकाउंट खोल देंगे तो विदेशी जो हमारे NRI लोग हैं, विदेशी दानदाता हैं, उसमें अपना डोनेशन जमा करेंगे। एक चेक कोई अमेरिका से किसी सज्जन ने दिया है, भेजा है $1500 का, लेकिन वो रखा हुआ है, सोचते अकाउंट खुल जाए तो उसमें उसका पेमेंट कराया जाए। दान की स्थिति तो जब संन्यास हुआ था उस समय तो एक बार बहुत जोरदार मतलब दान संस्थानों पंच सरपंच के आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 के नवीन चुनाव कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में डीढ़वाना पंचायत समिति के 35 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी 3 अक्टूबर को संपन्न होने जा रहे हैं। इस चुनाव कार्य के लिए रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मंगलवार शाम को रवाना किया जाएगा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDM डीढ़वाना अंशुल सिंह बेनीवाल ने बताया कि पंचायत समिति डीढ़वाना की ग्राम पंचायतों के लिए बुधवार 23 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 24 सितंबर गुरुवार को प्रातः 10 बजे से होगी। उम्मीदवार इसी दिन अपना 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के पश्चात उम्मीदवारों को प्रतीकों का आवंटन, एक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन होगा। 2 अक्टूबर शुक्रवार को मतदान दल संबंधित ग्राम पंचायत पर उपस्थित हो जाएंगे और 3 अक्टूबर 2020 को प्रातः 7:30 से लेकर 5:30 तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना शुरू हो जाएगी। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम महेशपुरा में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद हुए खूनी संघर्ष में पीड़ित लड़की के पिता की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में रहने वाले किसान की 14 साल की बेटी को गांव के ही दबंग किसान राजवीर के बेटे राहुल ने छेड़ दिया। इसकी शिकायत किसान की बेटी ने अपने पिता से की, जिस पर पिता हरिहोम राजवी ने शिकायत करने गए। इस पर इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और खूनी संघर्ष बदल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरिहोम को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने दबंगों से हमसाज होकर पीड़ित पक्ष की कोई मदद नहीं की। वहीं किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे SPCT अमित आनंद ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। धर्मपाल, अमर सिंह और राजवीर और शर्मा और ये 5-6 लोग थे, इन्होंने मारा है बागवाद में जो आपको, हाँ यहाँ घर मारे हैं, थाने में मारा सर। पड़ता है थाना मुंडा पांडे क्षेत्रांगत, इसमें कल 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें आज सुबह फिर वापस इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लाठी से इसमें एक व्यक्ति को चोट भी लगी हरि ओम, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें थाने पे अब तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में भी सजने संवरने का कवायद तेज हो चुकी है। इस कड़ी में विकास प्राधिकरण अयोध्या स्थित सूर्य कुंड को विकसित करने की कार्य योजना में अमली जमा पहनाने में जुट गया है। विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में इसी योजना को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया गया, जिसमें कुछ बदलाव के निर्देशक भी दिए गए। हालांकि मैं CM योगी के सूर्य कुंड का दौरा किया था, इस दौरान उन्होंने इस पौराणिक स्थल को विकसित करने की बात कही थी। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पर्यटकों की आमद को देखते हुए अयोध्या और आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिसे सबसे पहले सूर्यकुंड को विकसित किया जाना है, जिस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूर्यकुंड परिसर में कुछ दुकानें बनाई जाएगी, जिसे धार्मिक वस्तुएं विक्रय के लिए व्यापारियों को किराए पर दिया जाएगा। परिसर में ही ओपन एयर थिएटर का निर्माण भी किया जाएगा, इसके साथ हवन कुंड और नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। शाम के 7 से 8 बजे के बीच लाइट एवं साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें
भगवान राम के जीवन से संबंधित लेजर शो दिखाए जाएंगे। लेजर शो कार्यक्रम में टिकट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पर्यटक टिकट लेकर ही लेजर शो देख पाएंगे। जो सुबह या दोपहर टहलने आते हैं उनके लिए परिसर में फ्री व्यवस्था होगी, उनको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। जैसे आप अवगत है कि सूर्यकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब आए थे यहाँ पे, जो है वो स्वास्थ्य मेला के समय में, तो उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसी की समीक्षा थी, उसी का प्रेजेंटेशन था। इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चेंजेस के बाद उसको फिर फाइनल कर दिया जाएगा। अयोध्या को असले के दम पर लूटी गई मोरंग लदी ट्रक को जनपद की सीमा के पास स्थित एक भट्टे के पास से बरामद कर लिया गया है। वहीं लूट का अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को अवैध असले पर घटना में प्रयुक्त कार समेत गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बिहार के रोहतास ट्रक से भरी मोरंग अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र में लूटी गई थी। हालांकि पुलिस ने 36 घंटे में लूटी गई ट्रक को वापस बरामद कर लिया है। इसके साथ ही 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट में प्रयुक्त कार में मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक तमंचा व 4 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। एसएसपी दीपक कुमार के मुताबिक 20 सितंबर को बिहार के रोहतास पर ट्रक में भरकर मोरंग अयोध्या जनपद के लिए चली और कोतवाली बीकापुर खजुराहट मंडी में इसको बेचना था, लेकिन बात नहीं बनी। वही मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रक की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सुल्तानपुर स्थित बंद पड़ी गोविंद सिंह बिक्र फील्ड से ट्रक को बरामद कर लिया है और 7 आरोपी कमलेश कुमार, अनिल यादव, दीपक यादव, सत्येंद्र उपाध्याय, भोला सिंह, संदीप सिंह, मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। लूट का मुकदमा बिहार के सासाराम निवासी ड्राइवर यादव ने दर्ज करवाया था। 20 तारीख को प्रातः करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली बिहार के एक ट्रक चालक के द्वारा कि वहां की एक ट्रक थी जो कि मोरंग लेकर के बिहार रोहतास से आई थी और उस ट्रक को उनके साथ जबरदस्ती उनके ट्रक को लूट लिया गया और यह घटना सुल्तानपुर में घटित थी। उपकरण क्षेत्र के गांव ऊंचा में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। सत्यनारायण तेली ने बताया कि टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नुकुल सिंह भाटी थे। अध्यक्षता महामंत्री गोवर्धन सिंह गुलंडिया ने की और विशिष्ट अतिथि रतनलाल गाडरी व सरपंच प्रतिनिधि भंवर सिंह सिहाना, युवा नेता आशीष रेवाड़ा उपस्थित रहे। ग्रामवासियों द्वारा अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। अध्यक्ष भाटी ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया तथा भाटी ने खेल ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था की घोषणा की और ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त किया। झालावाड़ जिले में क्षतिग्रस्त व पुराने जर्जर सरकारी भवनों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर अपना कर्तव्य पूरा करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिले के सारोला पुलिस थाने में, जहां ड्यूटी करते समय एक पुलिसकर्मी पर थाने की जर्जर बिल्डिंग से छत का प्लास्टर व पत्थर सर पर आ गिरा, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी की चीख सुनकर मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे व घायल पुलिसकर्मी को सरोला CHC लेकर पहुंचा गए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जी, क्या हुआ था? सर, मेरी ड्यूटी वायरलेस में थी और मैं पैरा सेंट्री करने में जैसे मैसेज आ रहा था, मैसेज नोट कर रहा था, तो उसी दौरान छत से कुछ कंकर गिरे। खबर है विराटनगर क्षेत्र के चितोली गांव की, जहां रात को 3 बदमाशों ने अपने चेहरे को नकाब से ढककर राकेश शर्मा के मकान पर जानलेवा हमला किया था। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। करीब 12 बजे के आसपास एक बाइक पर 3 बदमाश चेहरे को ढककर आए और मकान के बाहरी गेट के पास आकर गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट के अंदर से ताला लगा होने की वजह से खोल नहीं पाए। फिर इधर उधर देखने के बाद वापस ये दोनों आरोपी, इन्हें मुख्य सरगना है, के पास गए और 2 मिनट तक आपस में बातचीत की। फिर एक बोतल नीचे का रखते हुए, जो बोतल इनके हाथ में थी, उनको किसी चीज से जलाते हुए एक बोतल इनके हाथ में एक ब्लास्ट हो जाती है और दूसरी मकान के अंदर फेंकने में कामयाब हो गए। अंदर और बाहर आग लग गई। इस घटना का पुलिस ने खुलासा करने के लिए 5 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। सरपंच शीशराम दायमा ने कहा है कि अगर जल्द आरोपी नहीं पकड़े गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है। जब तक हमें कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता है, जब तक हमारा धरना चालू रहेगा।
रिपीट खबर। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में टोडा भीम पंचायत समिति के 43 ग्राम पंचायतों में बुधवार को सुबह 10 से 5 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहा के अनुसार 24 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच तथा दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाने सकते हैं। इसी दिन नाम वापस के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। मतदान 3 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से 5:30 तक वोटिंग होगी। वहीं दूसरी ओर टोडा भीम पंचायती राज चुनाव में कोरोना काल के नियमों की धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है। कोई नियम का पालना नहीं कर रहा है, ना तो कोई मुंह पर मास्क लगा रहा है और जगह जगह भीड़ लगी नजर आ रही है, जिस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। सुनेल निवासी पीड़ित कल्लू पठान ने बताया कि कस्बे के मुहड़िया का बाग स्थित उसके मकान में देर रात अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर मकान के अंदर घुसा है और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 1.5 लाख रुपए के सोने व चांदी के गहने, 10 विदेशी घड़ियां व 6,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह उठने के बाद घर वालों को घटना का पता लगा, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने सुनेल थाने में दी। बहरहाल सुनेल थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। चौमला रेलवे स्टेशन पर अधीक्षक टेकचंद मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ट्रेनों के नियमों में भी कई बदलाव किए गए, जिसके अनुसार जनरल कोच में भी सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे, जिनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षा व कोविड-19 के नियमों की पालना करवाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के व मास्क लगाने के साथ हैंड सैनिटाइजिंग और के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा। बहरहाल कोटा नागदा पैसेंजर ट्रेन के संचालन से डेली अपडाउनर्स को खासी राहत भी मिलेगी। झालावाड़ में इन दिनों सड़कें बदहाल हो गई हैं। जिधर देखो उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों में खड्डे पड़े नजर आ रहे हैं। वाहन को धूल भरे गुब्बारे निकल रहा है तो लोग परेशान हैं, लेकिन करे तो क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है, बस खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं। सफर के दौरान हालांकि झालावाड़ जिले में औसत बारिश 900 mm होती है, लेकिन इस बार बारिश 735 mm हुई और औसत बारिश से 150 mm कम हुई। फिर भी जिले के सड़कें में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सड़कों में धूल से लोग परेशान हैं। सड़कों पर गड्ढों से धूल भरे गुब्बारे उड़ने से बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं, तो वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को खड्डों से निकलने में काफी टूट फूट होती है, लेकिन वाहनों की मजबूरी है कि टूटे रोड से गुजरना पड़ता है। अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और टोल भी वसूली की जा रही है। ऐसे में छोटे वाहनों को हालत खस्ता हो रही है। खड़े से गुजरने के कई बार लोग गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक गड्ढों की मरम्मत नहीं करवा पा रहा है। ऐसे में रोजाना वाहनों को नुकसान होता रहा, तो साथ ही लोग दुर्घटना से भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। रहे हो आप लोग? मैं जलावर से आ रहा हूँ, अभी पटन जा रहा हूँ। कितने गड्ढों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत गड्ढों का सामना करना पड़ा था। नई गाड़ी कई मतलब है ना, सस्पेंशन चल जाए, ऐसा गड्ढा है, बहुत ज्यादा गड्ढा है, बहुत ज्यादा रोड खराब हो रहा है। कितने टाइम से हो रहा है? फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक लिए देखते रहिए VMR भारत TV। नमस्कार।